हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अल्फा मॉनिटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरानी से पुरानी कब्ज़ को छूमंतर कर देगा ये घरेलू नुस्खा, बस ऐसे करें इस्तेमाल। कौन सा है वो घरेलू नुस्खा, आइए जानते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग एसिडिटी और पेट फूलना या कब्ज़ की समस्या से परेशान रहते हैं। इन बीमारियों को हम काफ़ी नॉर्मल समझते हैं और जिसके कारण हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कहते हैं जब तक पुरानी बीमारी कोई बड़ा रूप न ले ले तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह एसिडिटी, कब्ज़ ये समस्या होने पर हम ध्यान नहीं देते हैं और कई सालों तक कब्ज़ की समस्या से परेशान रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, आप इन समस्याओं को कभी भी इग्नोर ना करें और इन समस्याओं का जितना जल्दी हो सके समाधान निकालें। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप कब्ज़ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी घर पर। आपके रसोई घर में कुछ चीज़ें मौजूद है जो आपको कब्ज़ की समस्या से छुटकारा दिलाएगी। पहली चीज़ है सौंफ, दूसरी है जीरा, तीसरी है धनिया, चौथी है मेथी और पांचवी है अजवाइन। आपको इसका किस प्रकार से इस्तेमाल करना है आइए जानते हैं। सभी चीज़ों को एक एक चम्मच ले लें और रात को पानी में भिगो दें और सुबह इनका पानी पी लें। इससे आपका पाचन सही रहेगा, साथ ही कब्ज़, हार्निया, कोलाइटिस, एसिडिटी आदि समस्याओं से निजात मिलेगी। ये कारगर किस प्रकार से है आपके स्वास्थ्य के लिए आइए उसके बारे में जानते हैं। सौंफ है तो सौंफ में अधिक मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर अधिक होने की वजह से यह पेट को स्वस्थ रखती है और पाचन तंत्र को ठीक ढंग से काम करने देती है, जिससे आपका पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम करता है। धनिया में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, पोटेशियम और विटामिन सी पाया जाता है। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत बनती है। इसके साथ ही पेट की सारी गंदगी को साफ करने में ये आपकी मदद करता है। अगली चीज़ है जीरा। जीरे में कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक के साथ में विटामिन सी, के, B1, B2, B3 होता है। यह पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ ही वजन कम करने के साथ आपको कई बीमारियों से भी बचाता है। अगली चीज़ है अजवाइन। अजवाइन में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पेट से संबंधित बीमारियों से तो निजात दिलाता ही है, इसके अलावा कमर दर्द, पीरियड का दर्द आदि से भी छुटकारा दिलाता है। और अगली चीज़ है मेथी। मेथी में कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, सेनेलियम, जस्ता, मैंगनीज, विटामिन B6, फोलिक एसिड, नियासिन, विटामिन ए और विटामिन सी आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसीलिए आप इस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये नुस्खा बहुत ही कारगर है जो आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ से छुटकारा दिलाएगा। इसका किस प्रकार से सेवन करना है इसका तरीका हमने आपको बता ही दिया। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता चल सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे YouTube चैनल अल्फा मॉनिटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें।